जो नई दुनिया स्थापन होती है वहां इतने ढेर के ढेर संबंध नहीं होते, इसलिए मनुष्य आत्मा देवाने में नहीं आती। वहां सिर्फ दो ही संबंध होते हैं, माँ बाप और बच्चे, इसलिए देवान में आने की बात ही नहीं रहती। अभी भी बाप आकर के ये फाउंडेशन डाल रहे हैं, बच्चे तुम सब आत्माएं आपस में भाई भाई हो, भाई बहन भी नहीं समझो। भाई बहन भी समझेंगे तो स्त्री पुरुष का बान आता है, आत्मा आत्मा भाई भाई। जब तुम्हारी ऐसी स्टेज बन जाएगी तब तुम मनुष्य से देवता बनेंगे। जो देवता धर्म में स्थापन करता हूँ उन देवताओं की भक्ति मार्ग में द्वापर से पूजा होती है। वो देवताएं कोई और नहीं है, जो मंदिरों में मूर्तियां दिखाई गई हैं, वो 33 करोड़ देवताएं तुम बच्चे ही बनते हो। लेकिन देवता बनेंगे बाद में, पहले बाप के घर के बच्चे बनना है। बाप के घर के बच्चे बनना माना आत्मा आत्मा भाई भाई। तो तुम सब ब्रदर्स हो, ब्रदर और सिस्टर तब कहा जाता है जब ये शरीर धारण किया जाता है। कोई स्त्री चोला धारण करती है आत्मा, कोई पुरुष चोला धारण करती है आत्मा, तो ब्रदर्स और सिस्टर्स कहा जाता है। प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे हैं तो ब्रदर्स और सिस्टर्स हैं, और परमपिता परमात्मा शिव के बच्चे हैं तो आत्मा आत्मा भाई भाई। अब ये देह भान छोड़ देना है, हम सब भाई भाई हैं। जरूर भाई भाई का बाप भी होगा, वो बाप है सुप्रीम सोल शिव, वो है परमपिता परमात्मा। सभी आत्माएं शरीर में रहते उसको याद करती है, शरीर छूट जाने के बाद फिर याद करने का सवाल पैदा नहीं होता। वो है बाप, ये भी समझाया है, दो बाप हैं।